नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार है और आपके साथ मैं लेके आ गया हूँ चैलेंज योर सेल्फ का ये सेशन नंबर 4, जिसमें मैं बता दूँ आपको, इस सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, जो हम लोग सुपर इजी ट्रिक से करेंगे, मज़ेदार तरीके से आप लोग को मैं सिखाऊंगा ये सारे ट्रिक्स। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम आज क्वेश्चन लिए हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। इस सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज लिया हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये डाउट रहता है कि एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं बनता है मेरे से। अब क्यों नहीं बनता है? तो इसमें आपको रॉन्ग नंबर सीरीज, तो आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे मिल जाएगा मुझे क्वेश्चन से आंसर? तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, पहले आपको सारे नंबर जितने दिए रहेंगे, सारे नंबर को एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन नंबर दिया हुआ है, 12, 16, 80, 118, 628 और 728। अब आप लोग सोचिए, यहाँ से हमको 16 जाना है तो सिंपल एडिशन हुआ होगा, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से मुझे अगर जाना 18, मतलब 16 से मुझे 80 जाना है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा? आप लोग जान गए होंगे मल्टीप्लीकेशन हुआ। फिर हम लोग यहाँ जाना है तो एडिशन हुआ है, तो आप लोग एक मन में सिर्फ रखिए एडिशन हुआ है। यहाँ से फिर मुझे जाना क्या मल्टीप्लीकेशन कुछ हुआ होगा, अब कितना हुआ होगा ये नहीं पता है मुझे। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ एडिशन यहाँ एडिशन, तो हम लोग पहले सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कितने कितने नंबर हैं, ठीक है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का सारे रूल फॉलो नहीं कर रहे, मीन सब में तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 80 में से हम लोग क्या 16 माइनस कर देंगे, 80 में से हम लोग 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया मीन्स 4 आ गया, और 7 में से 1 गया 64 आ गया। इसी तरीके से 80 में आपको क्या 118 में से 80 माइनस करना है, तो 80 में कितना आ गया, 20 आ गया, और इधर 18 आ गया, ठीक है? आप लोग जैसे भी माइनस करिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे 3 और 8 आ गया, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा टर्म आ रहा है, यहाँ से माइनस करेंगे तो 628 में से 118 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 1 10। इसके बाद 628 में से 728 यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे तो मुझे समझ रहा है, ये सारे नंबर तो मैंने देखे कहीं लग रहा है, ठीक है? तो आप सही समझे हैं, ये देखिए आप देखे हुए नंबर है, तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, ये 4 का क्यूब है, ठीक है? 2 4, उसके बाद यहाँ पे कुछ 6 होना चाहिए था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 8 होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। मतलब देखिए ये स्क्वायर में चल रहा है, तो ये स्क्वायर में चल रहा, और ये क्या चीज में, क्यूब में चल रहा, मतलब यहाँ पे 8 का क्यूब होना चाहिए था और यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए था। अब देखते हैं, अब आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, यहाँ पे 6 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 36, और 8 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब को 324 लिख सकते हैं, ठीक है? अब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब यहाँ पे 324 नहीं होगा, 8 का क्यूब यहाँ पे 512 हो जाएगा, ठीक है? अब आप लोग देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग यानी सिंपली आप लोग समझिए, 38 और 5 1 10 को ऐड करिए। मैं आपको सारे इजी मेथड से बता रहा हूँ, देखिए आप लोग समझ जाइए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा, सारे को ऐड कर लेंगे तो क्या आ रहा, 548। इसी तरीके इसको भी ऐड करना, 5 1 12 और 3 6, कितना आ जाएगा, 548। मीन्स 548 548 आ रहा है, मीन्स हम लोग का जो सोचे हैं वही उसी टाइप का आंसर होगा। अब यहाँ पे एरर कौन सा है, ये एरर है, मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, -2 करना होगा, यार यहाँ पे +2 करना होगा, ठीक है? तो नंबर कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, आप देखिए जो नंबर यहाँ पे, दो नंबर रॉन्ग है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए
नंबर देखिए 37, 51, 46, 60 और 55 और 70। आपको कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ यहाँ पे फिर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ और फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे 14 इंक्रीज हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्ट कितना हुआ या माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो क्या यहाँ पे 14 इंक्रीज हुआ, जैसे मैं देखूंगा 14 आ गया, फिर मतलब यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है चलिए -5 आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस कितना है 15 है। बस यहाँ पे तो आपका सीरीज चल रहा था +14 +14 +14, तो यहाँ +15 कैसे आ गया, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए +14 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा जो नंबर है 70 ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 69 होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा फेसबुक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और वे टू लर्न ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो कर लीजिएगा, मीन्स आप लोग एक ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब देखने का मतलब है आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए 0.5 आ गया। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें हम 1/2 कुछ कुछ ना कुछ इस टाइप से करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से कुछ इक्वेशन को। ठीक है अब देखते हैं क्या है, 9 से क्या हुआ डिक्रीज हो गया, 5 से फिर बढ़ा, फिर बढ़ते गया फिर बढ़ते गया। अब 9 से मुझे 5 जाना है, कैसे जा सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4.5, और क्या करेंगे 0.5 को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से 5 से मुझे 6 जाना है तो क्या करेंगे, सिंपली इंटू 1 कर देंगे, इंटू 1 और +1 कर देंगे। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए 0.5 था यहाँ 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, यहाँ तो डायरेक्टली 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 कर देंगे, तो 1.5 करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, और 9 में क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे 9 में क्या 10.5 है, तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 1.5 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ 10.5 है, 10.5 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 20, और 21 + 2 आप लोग समझ गए होंगे सीरीज किस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ क्या होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ 23 का क्या होगा 46, 23 का यहाँ पे 46 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा +2.5 होगा, मतलब इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 11.5 हो जाएगा। ठीक है तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 6, 1, 7, 4, 1, 5। ठीक है तो इतना आ जाएगा, और इसमें 2.5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, 2, 9 और 10, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है बट देखिए यहाँ क्या नंबर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 56, ये हमारा रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे 47, 58, 50, 71, 80, 95 और 109। अब यहाँ पे जो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे सिंपली एडिशन कुछ हुआ है, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हुआ है क्योंकि डायरेक्ट नंबर जंप नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सिंपली एडिशन कौन सा नंबर हुआ है, तो देखेंगे 57 में से 8 और इधर 3, 8 और 3 यहाँ पे 11 हो जाएगा, +11 में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ 3, 3 और यहाँ पे 10। ठीक है यहाँ पे क्या हो गया 13 आ गया, 3 और 10। इसी तरीके से यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 और यहाँ 9 आ गया। ठीक है और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 5 आ गया, मतलब 15 ऐड कर देंगे तो 95 आ जाएगा, और इसी तरीके से 5 और 14 आ गया। ठीक है अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या
क्या गलती है? देखिए यहाँ पे तो कोई सीरीज नहीं बन रहा, 11 है, 13 है, 9 है, 15 है, 14 है, कोई सीरीज नहीं बन रहा। अब नंबर के अंदर नंबर को हम लोग सर्च करेंगे, नंबर टू दी नंबर सर्च करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे 47 से कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है? देखिए 4 + 7 कर देंगे तो 11 आ रहा है। आप लोग को ये सोचना पड़ेगा, एग्जाम में आप लोग को सोचना ये पड़ेगा कि +11 है, +13 है या +15 रहता, तब तो हम मान लेते चलो कोई नंबर में गलत है, लेकिन यहाँ पे +13 के बाद डायरेक्ट डिक्रीज कर गया है। मतलब ये जो टर्म है वो 11 13 मीन्स ऑड नंबर में नहीं चल रहा है, इसमें कुछ और ट्रिक है। तो आप लोग देखिएगा नंबर को ऐड करके देखिएगा, क्या ऐड करिएगा, 4 + 7 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको ऐड करते हैं तो क्या 13 आता, हाँ 13 आ गया, 8 + 5 13 आ गया। ठीक है, 7 + 8, 7 + 1 करेंगे तो 8 आना चाहिए, यहाँ पे +8 होना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, 9 है। मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज ये होगा, मतलब 7 + 8 कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 और 9 आएगा। ठीक है, 7 और 9 आएगा, तो रॉन्ग नंबर कौन सा है, 80 है हमारा, ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग देखिए नंबर 2 to 4 से 2 to 5 हुआ। ठीक है, 2 to 5 से 2 5 2, और इधर देखिए नंबर सीधा जंप कर गया, मतलब इधर कुछ प्लस एडिशन हो रहा है, आप लोग इसी से जज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो (2) (2) (2) तो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे तो (1), तो यहाँ पे देखेंगे सिंपली डिफरेंस देखिए। अब ये तो एडिशन पे बेस्ड है, आप लोग क्वेश्चन में से ही समझ जाइएगा कि ये एडिशन पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 to 5 में से 2 to 4 देखेंगे क्या है, यहाँ +1 है। इसी तरीके से यहाँ क्या है, यहाँ पे 27 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 80 है, यहाँ 80 है, और यहाँ पे क्या है 40, यहाँ पे 48 है। अब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 आ जाएगा, और 8 4 12 और 130 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ऐड करके यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 12 में 8 जाएगा, और कितना होगा यहाँ पे 4 आएगा, और 6 में 3 जाएगा तो 340 हो जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 का 4 2, और यहाँ पे अब हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग का देखिए 127 और 729, अब कुछ समझ में आ रहा होगा, ये 1 का क्यूब हो सकता है, क्यूब है ही, ठीक है, हो सकता नहीं है, क्यूब है ही ये 1। ठीक है, 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ 729, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये 9 का क्यूब है, मतलब ये 135, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125 है, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं और इसे भी ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा, 5 और 3 8, 4 और 2 7, और 4 और 2 यहाँ पे 6 आएगा, 5 और 3 8, 4 और 2 6, और 3 और 4 68। इसी तरीके इसी को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 4 और 3 7, और 3 और 4 70। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए रॉन्ग क्या होना चाहिए, यहाँ 5 का 3 होना चाहिए, मतलब यहाँ -5 होना चाहिए, इसी तरीके से यहाँ +5 होना चाहिए, तो रॉन्ग नंबर कौन सा है हम लोग का, यहाँ पे रॉन्ग नंबर जो होगा वो होगा 380 होगा। ठीक है, तो ये रहा सारे क्वेश्चन, आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक को हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला है, अगर सीखने को मिला है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को,
अगर कुछ सीखने को नहीं मिलता है, अगर आपको कुछ लग डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे डाउट का रिजोल्यूशन मीन्स वहाँ पे हम तुरंत कमेंट करके आपको रिजोल्यूशन दे देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।